अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एआरवाई न्यूज। मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सुमैया रिजवान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। टिडाप करप्शन केस की समाअत, यूसुफ रजा गिलानी कराची की एंटी करप्शन अदालत में पेश। साबिक वजीर आजम की जमानत की तौसीक पर वकला के दलाइल जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में टारगेट किलिंग पर रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पुलिस की नाअहली से कई मुकदमात एकरास होकर सरदखाने की नजर हो गए। वकला कत्ल केस में फाजिल अदालत के रिमार्क्स। डॉक्टर आसिम के इलाज मुआवजे से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हल्फनामा जमा कराने के लिए 11 बजे तक की मोहलत। लाहौर में नौजवान को गाड़ी से कुचलने वाले मुलजिम तलहा के रिमांड पर फैसला महफूज। पुलिस की जेल भिजवाने की दरख्वास्त। डीएसपी ने असर रसूख से बेटे को छुड़ाया। मकतूल के वकील का मौकफ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अमरीकी सदर बराक ओबामा की अहम मुलाकात आज होगी। जॉन कैरी से मुलाकात में भारतीय मदाखलत के सबूत दे दिए। नवाज शरीफ की अमरीकी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत। ढूंढो अब दुनिया करे, हम ढूंढो और बहुत कर चुके। सेक्रेटरी ख्वाजा एजाज चौधरी की ब्रीफिंग। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को मजीद इकदाम करने होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख्वाजा जॉन कर्बी का बयान। अमरीका पाकिस्तान को 8 नए F-16 तैयारे फरोख्त करेगा, अमरीकी अखबार का दावा। 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से मुख्तलिफ शहरों में आज जुलूस निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में कमांडोज तैनात होंगे। 8 मुहर्रम उल हराम, वो दिन जब अब्बास के बगैर पानी की तारीख बेमानी हुई। आज मजालिस अज़ा में अलमदार करबला की बेमिसल वफा और शहादत पर आज़ादार गिरिया कुना। और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच, पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। राहत अली की जगह यासिर शाह टीम में शामिल।